हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आरएल क्राफ्ट की और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट पीई पॉकेट एडिशन आरएल क्राफ्ट, फिर से हम लोग खेलने वाले हैं। तो गाइस, मैंने कुछ बहुत सारा सामान लूट लिया है और आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा सामान है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए उस बेल को ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने उसमें आर्बर स्टेप बनाया था, कैसे बनाया था तो उसको भी मैंने बताया था कैसे बनाया था। तो पक्षी भी अंदर घुस चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो डायमंड है, डायमंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो मेरे पास ये है कि नहीं, तो मेरे पास है, बाकी सब तो मेरा घूम चुका है। तो मेरे को बनाना है पेंट, क्योंकि बाकी सब तो है ही, तो एक पेंट ही बना लेते हैं। इसको हम लोग अपग्रेड करने वाले, तो मेरी लेवल देख सकते हैं आप लोग 31 है और मैंने लूटा था बहुत कुछ तो उससे हुआ। तो आर्बर स्टेप के साथ साथ मेरे को और एक स्टेप भी बनाने का रेसिपी मिला है। तो उसको बनाने के लिए मेरे को इसको चाहिए और थोड़े से कोल चाहिए। तो हम लोग जल्दी से ले लेते हैं, तो 3 नहीं 4 7 कोल ले लेते हैं। और स्टिक चाहिए हम लोग के पास, स्टिक है तो स्टिक हाँ है। तो स्टिक को ऐसे रखना है और इसको यहाँ पे रखना है, और ये जो कोल है इसको ऐसे रखना है और ऐसे रखना है। तो ये मिला नहीं, शायद कुछ और तकनीक होगा गाइस इसका। तो शायद यहाँ पे कोल रखना है और इसको ये सब रखना है। तो गाइस, शायद से ये काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को ऑफलाइन जाके मैं थोड़ा सा देख के आ जाता हूँ। तो और एक बार इससे ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं कैसे काम करता है कि नहीं। तो इसको ऐसे रखो, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पर नहीं काम कर रहा गाइस। तो इसको यहाँ पर एक बार रख के देखते हैं, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। अरे यार, इसमें एक ही है तो ये भी नहीं काम कर रहा। तो मैं ऑफलाइन जाके देख, गलत चीज़ डाल ही रहा था, तो गलत चीज़ बनेगा ही कैसे, मैं गलत चीज़ डाल ही रहा था। तो हम लोग को चाहिए, ये चाहिए एमराल्ड, एक ही एमराल्ड चाहिए, बस एक एमराल्ड चाहिए और कुछ नहीं। तो एक एमराल्ड देते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसको हम लोग रखने वाले हैं ऐसे, लकड़ी को ऐसे रखते हैं और इसको यहाँ पर। और साथ में हम लोग को देखना है कि हम लोग को रखना है इस एमराल्ड को यहाँ पर और इस कोल को यहाँ पर, दूसरा कोल यहाँ पर और एक कोल, अरे ये लग जाना भाई, और एक कोल यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस, हम लोग बना सकते हैं पॉइजन स्टेप। तो हम लोग एक इसको भी बना लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ और एक बना लेता हूँ ताकि एक हम लोग रख सके कहीं, मतलब यहीं पर, क्योंकि मैं बनाने की रेसिपी ही भूल जाता हूँ। तो एक और कोल चाहिए हम लोग को, तो बनाने की रेसिपी भूल जाऊंगा, इससे अच्छा एक बना के रखते हैं, क्योंकि मैं अगर मर जाता हूँ ये घूम जाता कैसे भी करके तो काम आएगा हम लोग का। तो इसको और एक यहाँ पे रखो और इसको यहाँ पे रखो। तो ये रहा एक हम लोग रखने वाले हैं इसमें। अरे यार, मैंने उसको गलती से मार दिया। अरे यार, मैं भी गजब हूँ यार, उसको कितना सुंदर आया था। तो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और प्रेस कीजिए उस बेल को ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, आज हम लोग करने वाले थोड़े से इंचार्जमेंट और इसका यूज़ भी करने वाले हैं, पॉइजन स्टेप का यूज़ क्या है तो देखते हैं बाद में देखेंगे। इसको पहले हम लोग थोड़े से ले लेते हैं, वो सारा हमारे पास ही है। तो हम लोग ये सब तो बना ही, मतलब बुक कर सकते, ये सब तो हम लोग कर ही नहीं सकते, देख लेते हैं। तो नहीं कर सकते गाइस, ये सब को तो कर ही नहीं सकते। तो हम लोग पहले बो को करने वाले हैं, क्योंकि हम बो को ही अच्छे से करने वाले हैं। फ्लेम 1 नहीं चाहिए, तो 30 लेवल में फ्लेम 1 मिल रहा है, तो देख लेते इसके बाद इसको, अगर कुछ अच्छा चीज़ इसमें मिल जाता है। अनब्रेकिंग 3 नहीं चाहिए, और बुक में फॉर्च्यून 2, तो गाइस फॉर्च्यून 2 ही ले लेते हैं। तो ले लो भाई फॉर्च्यून 2, और इसमें मल्टी शॉट मिल रहा था पायरेसिंग, और एक हुआ इन्फिनिटी नहीं चाहिए यार, इसको निकालो पहले तो। और इसमें मैंने देखा ही नहीं ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 थ्रोन्स, और ये है। तो बुक फिर से रखते हैं, बुक तो नहीं रखने, बुक रखते हैं और देखते हैं। इसमें फ्लेम 1 ही मिल रहा है यार, अनब्रेकिंग 1, तो इसको नहीं चाहिए, बुक में कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या मिल रहा है। अरे बार बार ये कट क्यों हो जा रहा है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन थ्रोन्स 1 ब्लास्ट प्रोटेक्शन। तो बुक सबको ही हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं। पायरेसिंग 2 नहीं चाहिए था, 13 एक वाइफिनिटी, अनब्रेकिंग एक वाइफिनिटी ले ही लेते हैं, सारा बुक ले लेते हैं। ल्यूर 1 जितना बन रहा है उतना देख ही लेते हैं बना के, अनब्रेकिंग 2, और साथ में ये लोगों को भी देख लेते हैं अगर
इसी में और अच्छा स्टेज मिल जाए तो अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग 3 या अनब्रेकिंग क्या करेंगे, लूटिंग 2 इसमें अच्छा है, लेकिन अभी तो हम लोग पास इतना लेवल इसका क्या करेंगे, तो फ्लेम वन ही रहेगा क्या यार इसमें, तो पावर वन हम लोग ले लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारा है तो हम लोग उसको लेके आते हैं, मतलब अगर अलग किसी किसी में अलग अलग आया तो इसमें नहीं है, इसमें है गाइस, हम लोग का देख सकते हैं 2 है और एक क्रॉस बो भी है, तो ये सबको निकालते हैं, और रात हो रही है तो हम लोग एक के ऊपर यूज़ करके देख लेते हैं, एक सामने से पार हुआ, अरे ये यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो शायद मारने से हो जाए, अरे यार मेरी लेवल चली गई यार, पहले सो जाते हैं, तो गाइस मैंने उससे बेकार का पंगा ले लिया, मेरी बेकार का पूरा लेवल ही चला गया, मैं अभी यूज़ भी नहीं कर सकता, इतना सामान है, मैंने बेकार कर दिया यार, मैं इससे मारता हूँ, आजा आजा, दो ही बार मर गया, अरे यार मैंने पूरा का पूरा लेवल बर्बाद कर दिया अपना इसका यूज़ करने के लिए, तो हम लोग इसको पहले तो रख लेते हैं यहाँ पर, तो जो जो इंचांटमेंट करते हैं यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, वो को हम लोग कुछ करने वाले तो है नहीं अभी, मेरे को क्योंकि चाहिए था, तो ये सब यहीं पर रख देते हैं, तो पोइजन स्टाफ एम्पेटी है, इसको भरेंगे कैसे वो भी तो मेरे को नहीं पता, तो ये सब को तो रख लो पहले तो, और हमारे पास क्या है क्नोकबैक 2, इसको भी रख दो, ये शायद अभी भी मिला मेरे को या पहले से ही था, तो इसको भी निकालो, इसको भी रख लेते हैं, तो ये मेरे को मिल गया था डायमंड स्वॉर्ड, मैंने इसको बनाया नहीं है तो ये मिल गया था मेरे को, तो आज हम लोग, अरे यार कौन आ गया, अरे यार, अरे यार पहले इसको पकड़ो, आ जा भाई आ जा आ जा, अभी मार ले, देखते हैं इसमें कितना है दम, तो गाइस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैंने पॉइजन स्टेप बना तो लिया है, और ये देखिए गाइस क्या है यार, मर जा मर जा, तो पॉइजन स्टेप का यूज़ क्या करना है, एम्पिटी बता रही है भी, अरे ये एम्प्टी बता रहा है, हम यूज़ ही नहीं कर सकते क्या, तो इसमें हम लोग कुछ भी ढालेंगे कैसे वो भी मेरे को नहीं पता है, तो इसको भी मार लेते पहले तो, अरे ये उसमें हम लोग ढालेंगे कैसे वो भी नहीं पता मेरे को, कैसे ढालेंगे यार, तो ये यूज़ ही नहीं हो रहा था, तो छोड़ो इसको, चलते हैं हम लोग गाइस, कुछ एक जगह में खोज के रखा हुआ मैंने, उसी में चलते हैं हम लोग जल्दी से पहुंच के, चली मतलब जल्दी से पहुंच जाते हैं उसमें, और वीडियो को सीधा सीधा स्किप करते हैं वहाँ पर, तो चलते हैं गाइस मिलते हैं, रात भी हो चुकी है और हम लोग अभी मतलब यूज़ ही कर रहे हैं इसको, और बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो हम लोग जा रहे हैं कहीं पर भी, अगर हम लोग को कुछ अच्छी सी जगह मिल जाती है, तो इतनी ज़्यादा अंधेरा भी हो चुकी है गाइस कि हम लोग क्या बोले, तो अगर अच्छा सी जगह हम लोग मिल जाए, कोई विलेज मिल जाए, तो हम लोग वहाँ पर सो के पहले सुबह कर लेंगे, तो ये रहा एक विलेज तो मिल ही गया है, तो यहीं पे हम लोग सो के सुबह कर लेते पहले तो उसके बाद हम लोग जाएंगे कहीं भी घूमने, तो अरे यार इधर नीचे उतर जा, और यार तो अभी इसको पहले पकड़ लो पहले तो इधर तो बहुत भयानक, अरे नीचे गिनना नहीं है, ओ यार नीचे बहुत देख सकते हैं, पहले बैठ के दिखा देता हूँ तो मैं कहाँ पे उतरा हूँ, नीचे गिरा मतलब सीधा ऊपर गया, तो हम लोग सीधा ऊपर चल मतलब ऊपर ही पहुँच जाएंगे, तो हम लोग पहले तो ऊपर ही पहुँचते हैं, तो अरे यार ट्रक दिया भाई यार, मैंने बेकार भी कर दिया इसको, तो मेरे को ऊपर जाना है, पहुँचा यार, तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके गाइस, तो रात हो रही है तो पहले तो उसको पकड़ो गैलेक्सी स्वॉर्ड, इसको भी पकड़ लो ताकि हम लोग किसी भी कोई भी हमला करते तो हम लोग बच सके कम से कम, और पहले अंदर घुसो और पहले सुबह कर लेते ताकि हम लोग को मोब कोई मोब मार ना दे, तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, और मेरे को यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करना है, मेरा मेन मोटिव है कि इसके सामने मेरे को और एक विलेज है जिसको मेरे को एक्सप्लोर करना है, तो भूख भी लगी है तो खाना खा लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है यार, इतना खतरनाक टाइप से एक विलेज के सामने इतना खतरनाक टाइप से कौन बना दिया यार, अरे यार कोई भी गिर जाएगा, कोई विलेजर ही गिर ना जाएगा अभी, तो चलते हैं यहाँ से नीचे गिरते हैं हम लोग थोड़ा सा, और गाइस हम लोग पोकीमोन पोकीमोन गाइस पोकीमोन देख सकते हैं, तो गाइस हम लोग को पोकीमोन मिल चुका है, तो वो देख सकते हैं एक पोकीमोन है हम लोग के पास, तो इसका हम लोग स्क्रीन शॉट ले लेते अच्छा से, गाइस हम लोग को आखिरकार एक पोकीमोन मिला है, मतलब आखिरकार क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि इसमें पोकीमोन है, तो
मेरा मतलब है कि एक पोकीमोन मिला है मेरे को, उसके बारे में पता भी नहीं था। तो ये जो आर एल क्राफ्ट मोड है उसमें पोकीमोन भी है, तो पता नहीं इसका हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें चेस्ट रखा हुआ था, तो इसमें हम लोग खाना है तो खाना ले लेते हैं। और इसको हम लोग अगर दिखा देता हूँ, और एक चीज़ अगर हम लोग इस सीट को भी फेंक देते हैं, और मेरे को यहाँ पे कुछ करना है तो हम लोग पहले इस सीट को फेंकना है मेरे को, तो इसे दबा के रखते हैं तो ये सीट फेंक देता है। और उसके बाद ये पॉइजन स्टेप से तो कुछ होता नहीं है, तो हमारा जो आर्वर स्टेप था तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और मेरे पास एक मैप भी है, लेकिन ये देखिए, तो इससे हम लोग यहाँ पे ये बना सकते हैं। और यार एक ख़राब चीज़ और हुआ कि मैंने विलेजर और शायद उस पोकेमोन को भी मैंने मैप बना, मतलब आरवर स्टेप से बना दिया, तो ये तो गड़बड़ हो गया यार, तो मेरे को नहीं बनाना था। तो हम लोग इस विलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते, शायद से कुछ मिल जाए। तो मैं मतलब थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन ही एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा रहेगा। मतलब ऑफलाइन बोल रहा हूँ कि इसका वीडियो बना के, जिराफ भी गाइस, जिराफ भी मिल चुका है हम लोग के पास, तो देख सकते कि जिराफ भी है इसमें। तो इसके में क्या क्या है यार, तो और मिला हम लोग को, तो ये तो सेपलिंग है, हम लोग को कुछ फ़ायदा ही नहीं है, सेपलिंग का हम लोग करेंगे भी क्या। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, और उसके बाद इसको बाद में हम लोग देखेंगे। इसमें भी कुछ मिलता है तो अच्छा है, कुछ नहीं मिलने वाला इस सब में। तो हम लोग चलते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, और चलते हैं कुछ अच्छी जगह, वीडियो स्किप करते हैं। अगर मेरे को वाली विलेज मिलती है जिस विलेज में मैंने पहले भी गए थे, तो उस विलेज को हम लोग फाइंड कर लेते पहले। तो वो विलेज में बता दूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 89 और 144 ऐसे कुछ में था। तो इसको भी खोलो, तो इसी में तो खोल लेते हैं, तो चलते हैं सीधा उसमें।